अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। फौज की वर्दी में हाथों में तिरंगा लिए हुए, देशभक्ति की धुन में झूमते हुए, ये हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से बलविंदर सिंह। और अब है नहीं थे, क्योंकि इस वीडियो में जब आप इन्हें देशभक्ति गीत पर झूमते हुए देख रहे हैं, इसी दौरान अचानक ये जमीन पर गिरते हैं। देखने वालों को एहसास तक नहीं होता, दर्शक लगातार तालियां बजा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फौजी बलविंदर सिंह अभी भी देशभक्ति की धुन में नाच रहे हैं, मगर बलविंदर सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई, यानी एक और अचानक मौत का मामला सामने आया है। पिछले कुछ ही सालों में इस तरह की कितने दर्जन मौतों को मैंने कवर किया है, याद भी नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग जिस तरह से नाचते गाते खेलते कूदते दुनिया को अलविदा कह दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जांच पड़ताल का और रिसर्च का विषय होना चाहिए। मगर सवाल ये है कि करेगा कौन, करने की अनुमति या आदेश देगा कौन। हाल ही में कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने लंदन की अदालत में स्वीकार किया कि उनकी वैक्सीन से ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक हो सकता है। पिछले 2-3 सालों में जब से वैक्सीन लगी है, तभी से लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन अचानक मौतों का कोई संबंध वैक्सीन से है। अब तक तो कंपनी भी स्वीकार नहीं कर रही थी, मगर अब उसने अदालत का डंडा पड़ने के बाद स्वीकार कर लिया और कई देशों से उसकी दवाइयाँ वापस भी मंगवाई जा रही हैं। यदि ये सारी अचानक मौतें वैक्सीन की वजह से हैं, तो क्या सरकारों को यूं ही चुपचाप बैठे रहना चाहिए? क्या इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा जाना चाहिए? या सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल के माध्यम से हर एक बुराई के पक्ष में माहौल बना देने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? भक्तों के दिमाग में एक बात ठूस दी गई है और आईटी सेल के गुर्गों ने उन्हें इस बात के लिए तैयार कर दिया गया है। बात बात में वो कहते हैं कि क्या अन्य दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता? कितने कम लोग मर रहे हैं, आए दिन लोग इतने सारे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, भूख के कारण मर जाते हैं, तो वैक्सीन से भी मर जाए तो क्या दिक्कत है? मरना तो है ही। यानी हर मामले में कुतर्क के लिए भक्तों को तैयार कर दिया गया है। वैसे अब तक कुल जितनी अचानक मौतें हुई होंगी, उससे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में एक दिन में गर्मी से लोग मर गए। अपनी स्क्रीन पर आज की ही इस खबर को देखिए। एक दिन के भीतर केवल उत्तर प्रदेश में 166 लोगों की मौत हो गई, बिहार में 65 लोगों की जान चली गई और देश भर में 270 से अधिक मौतों की जानकारी आ रही है। और ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। हम सब जानते हैं कि असल आंकड़े सामने नहीं आ पाते हैं, बहुत सारी मौतें रिकॉर्ड में नहीं आती हैं। सवाल है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बात जब जिम्मेदारी लेने की आती है, तो हम सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तो इधर उधर मत झांकिए, इसकी जिम्मेदार आप हैं, हम हैं। हमको आपको जब गर्मी झेलनी पड़ रही है, तो कम से कम हम कुछ संसाधन का उपाय कर सकते हैं। जो नहीं कर पाते उनकी जान चली जा रही है, इसके बावजूद हम कम से कम जानते तो हैं कि इस जानलेवा गर्मी की जिम्मेदारी हम सब की है। मगर इन बेजुबान जानवरों को देखिए, इंसानों की हवस का परिणाम इन्हें भी झेलना पड़ रहा है। आए दिन इधर उधर से खबरें आ रही हैं कि गर्मी बर्दाश्त न कर पाने के कारण जानवर मर रहे हैं। छोटे छोटे कितने पशु पक्षी और जीव मर जा रहे हैं, इन सब का हिसाब किताब लगाना लगभग असंभव है। इस वक्त देश भर के बहुत सारे जिलों में टेम्परेचर 48, 49, 50 के ऊपर जा रहा है। असहनीय गर्मी हो रही है, जगह जगह एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, आग लग रही है, एयर कंडीशन ने भी काम करना लगभग बंद सा कर दिया है। पिछले दिनों जब मैं एक वीडियो शूट करने जा रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे लगा कि मेरा एसी खराब हो गया है। मैंने मैकेनिक को बुलाया, उसने कहा कि आपका एसी पुराना है मगर ठीक है, गर्मी ज़्यादा है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि एसी का असर नहीं हो रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है। और इस जानलेवा गर्मी से बचने का एक ही उपाय है, यदि आने वाले सालों में जिंदा रहना है, तो हर एक व्यक्ति को अपने हिस्से का पेड़ लगाना है। कम से कम 5-10 पेड़ तो लगाना शुरू ही कर दीजिए। अलग अलग सरकारों की फोटोबाजी और मीडियाबाजी से बाहर निकलिए। पिछले कई सालों से लगातार खबरें आती हैं, फला राज्य के फला मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पेड़ लगा दिया। फिर दूसरा आता है, फला राज्य के फला मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा दिया, एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब अपना अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मगर गर्मी जो रिकॉर्ड तोड़ रही है, उसका रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता किसी में नहीं है, वो खाली पेड़ में है। इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जब करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, तो इनमें से कितने पौधे पेड़ बन पाते हैं, कितनों की सुरक्षा हो पाती है, कितने बच पाते हैं और करोड़ों में लगते भी हैं कि नहीं। इसी गर्मी में बिजली कटौती से लोग भयंकर रूप से परेशान हैं, कहीं पावर हाउस के भीतर घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो कहीं बिजली कर्मियों को पकड़ के पीट रहे हैं। मगर कुल मिलाकर इससे बचने का एक ही उपाय है और अपने भविष्य को बचाने का एक ही उपाय है, पेड़ लगाइए। उधर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए रास्ता बनाने की खातिर 33,776 पेड़ों को हटाए जाने की जरूरत है, ऐसी बात सामने आई। इसी खबर में 1,12,000 पेड़ों के हटाए जाने की अनुमति देने का जिक्र भी है, जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया। फरवरी में यह कहानी सामने आई और मई में एक दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में ही 166 लोग गर्मी के कारण मर गए। अब काम तो एक ही हो सकता है, या तो चौड़ी सड़क पर कांवड़ लेकर यात्रा कर लीजिए या तो जिंदा रह लीजिए। आप कहेंगे कि फरवरी में अनुमति दी गई तो 2 महीने बाद ही लोग मर गए क्या? ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अभी जो रिजल्ट है ये पुराने पापों का है,
जो नए पाप हो रहे हैं ना, इनका रिजल्ट आने वाले सालों में मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर, इंतजार करिए। आप सोच रहे होंगे कि चुनावी मामले पर वीडियो देखने आए थे और मैं ये सब क्या दिखाने लगा। मामला ये है कि राजनीति और चुनाव तो तब होगा ना जब जिंदा रहेंगे। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के एम जोसेफ ने चुनाव आयोग को बुरी तरह से रगड़ा है, बहुत सारे सवाल दाग दिए हैं। वैसे सवाल तो देश भर में लगातार उठ रहे हैं, मगर जस्टिस के एम जोसेफ ने एक एक मुद्दे पर चुनाव आयोग की हरकतों पर प्रकाश डाला है। एकदम आसान भाषा में पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे 2024 के चुनाव परिणाम की। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त राधिका देसाई दिख रही है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज की प्रोफेसर हैं कनाडा। इन्होंने 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा की जीत का बड़ा गहन अध्ययन किया है। इसके आधार पर 2024 के चुनाव परिणामों के बारे में बहुत सारी तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। इन्होंने बताया है कि कैसे थोड़े से वोटों के इधर उधर हो जाने से भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से खिसक कर नीचे आ जाएगी, और इस बार का जो माहौल है वो ये भी बता रहा है कि थोड़ा सा ही नहीं बल्कि थोड़ा ज्यादा सा वोट इधर से उधर हो रहा है। बेहद आसान भाषा में इनकी रिसर्च पर बात करेंगे। वीडियो जरा सी लंबी हो सकती है, मगर पूरा पूरा देखिएगा। सब कुछ ईमानदारी से रहा तो परिणाम आपके सामने होगा। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। इसके अलावा यदि हो सके तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाया जा सके और आपकी आवाज बुलंद होती रहे। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार चुनाव आयोग मोदी सत्ता के पक्ष में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दाहिना हाथ बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के नेता कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे जिस तरीके से देश में आग लगा सकते हैं, कोई देखने सुनने वाला रोकने टोकने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से भारत का चुनाव आयोग बीजेपी का पिट्ठू बना हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग ने इस देश के नागरिक समाज को इतना मजबूर कर दिया कि उन लोगों ने चुनाव आयोग से कुछ कहने की बजाय, गुहार लगाने की बजाय, सवाल करने की बजाय चुनाव कराने वाले रिटर्निंग अफसरों से अनुरोध किया कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराएं, मतगणना निष्पक्ष तरीके से कराएं। इस देश के अधिकारियों को बाकायदा पत्र लिखकर उनकी शपथ याद दिलाई जा रही है। चुनाव आयोग की हरकतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के एम जोसेफ ने एक कार्यक्रम में कहा कि चुनाव में वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा और जाति के इस्तेमाल के खिलाफ भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इन सब का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। चाहे कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, चुनाव आयोग को उन पर एक्शन लेना चाहिए। निर्वाचन आयोग को ऐसे मामलों को लंबित नहीं रखना चाहिए। अगर चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता है तो यह संविधान के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि चुनाव अभियान में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म की अपील तथ्यों के आधार पर, चुनावी भाषणों में इस्तेमाल किए गए शब्दों के आधार पर तय की जानी चाहिए। नेता लोग जिस साधन से राजनीतिक सत्ता हासिल करते हैं वो साधन साफ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए, जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर नहीं। यानी देश भर के पूर्व अधिकारी, पूर्व जस्टिस, तमाम पत्रकार, तमाम समाजसेवी और जागरूक नागरिक लगातार चुनाव आयोग को उसी का नियम याद दिला रहे हैं, उसको संविधान की याद दिला रहे हैं, मगर चुनाव आयोग में बैठे ये तीन महाशय न जाने किसका आदेश बजा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये भूल चुके हैं कि भारत में चुनाव इस देश की जनता के लिए होता है, किसी नेता या किसी पार्टी के लिए नहीं। बहरहाल, बात करते हैं चुनावी आंकड़ों की। राधिका देसाई और नताली ब्राउन ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट बनाई है, जो कि दवायर ने पब्लिश की है। इसमें इन्होंने 2014 और 2019 के चुनाव को एनालिसिस किया है और 2024 में भाजपा के 400 पार के नारे की पोल खोली है। बताया है कि बीजेपी की महत्वपूर्ण कमजोरियां क्या हैं और अतिरिक्त ताकतें क्या हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा की जो अतिरिक्त ताकतें हैं वो बेमतलब की हैं। यानी आपको सुई की जरूरत है मगर आपके पास तलवार है तो ताकत बेकार है, बेकाम है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की घोषणा से बहुत पहले ही एनडीए को 400 पार और बीजेपी को 370 से अधिक सीटें मिलने का ऐलान कर रही है, जबकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी बहुमत भी नहीं पा सकेगी। और विपक्ष ही नहीं, तमाम स्वतंत्र पत्रकार व ईमानदार आंकलन करने वाले लोगों का भी यही कहना है कि बीजेपी तो छोड़िए, एनडीए भी इस बार बहुमत नहीं पा सकेगा। यहां तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 100 सीटें नीचे भी आ सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के चुनाव में हार जीत की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। साल 2004 में चुनाव पूर्व तमाम सर्वेक्षण हुए थे जो पूरी तरह से गलत साबित हुए और वाजपेयी सरकार का साइनिंग इंडिया का नारा पूरी तरह से फेल हो गया। यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस सत्ता में आ गई। हाल ही में सीएसडीएस ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में बताया कि जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी हैं, जबकि जिस एक मुद्दे के भरोसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी वो मंदिर का मुद्दा समय से पहले ही बुरी तरह से ठंडा पड़ गया, और इतनी तेजी से ठंडा पड़ गया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 के चुनाव से पहले भारत में जितने प्रतिशत लोग भाजपा की सरकार से संतुष्ट थे, 2024 में उनकी संख्या कम हो गई है। 2019 में बीजेपी के पास बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा था, घर में घुसकर मारने वाली बात थी, मगर अब वो मामला सवाल बन चुका है। यानी 2019 में जो पुलवामा की घटना बीजेपी के पक्ष में खड़ी थी, अब वो खिलाफ में खड़ी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी सरकार के लिए बड़ा कांटा बन चुकी है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, भ्रष्टाचार का कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं लगा था, सोशल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकारों की मौजूदगी कम थी, गोदी मीडिया अधिक प्रभावित था, विपक्ष बिखरा हुआ था और इन सब पर पुलवामा ने पॉलिश कर दिया। मगर इन सब के बावजूद 2014 में बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी उसमें बीजेपी केवल 21 सीटें ही जोड़ पाई,
नहीं, जबकि अभी जो भाजपा का नारा है 370 पार वाला, उसके लिए बीजेपी को कम से कम 67 सीटें और लानी होंगी, जो कि असंभव की तरह लग रहा है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि चुनाव में जब जनता से पूछा गया कि क्या वाजपेयी सरकार एक बार फिर आनी चाहिए, 20 साल पहले की बात है, तो जवाब मिला था 48% हाँ में, और अभी 2024 में ये प्रतिशत 4% से कम हो गया है। आइए अब इस मैप की तरफ जरा ध्यान से देखिए। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी 31 सीटों का बहुमत है, मगर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा की कुल सीटों में से 60% सीटें उसने 15% से भी अधिक अंतर से जीता था, जबकि 40% उसकी जीत ऐसी थी, यानी 120 सांसद ऐसे थे जिनकी जीत का अंतर मात्र 15% से भी कम था। आप इस बक्से में ध्यान से देखिए, मगर उससे पहले यह समझ लीजिए कि किसी भी चुनाव में, भारतीय चुनाव में, 5 से 10% वोटों का इधर उधर हो जाना बहुत सामान्य बात है, और उसमें भी 2024 के हालात जब बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई कमर तोड़ रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, पीएम केयर फंड के रूप में नरेंद्र मोदी के ऊपर भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, और यह बात गांव-गांव में पहुंच चुकी है, मामला अग्निवीर का हो या फिर किसान आंदोलन का, यानी बीजेपी के खिलाफ तमाम मुद्दे हैं, पक्ष में बहुत कम चीजें हैं जैसे धन बल और एजेंसियां, तथा आप चुनाव आयोग को भी जोड़ लीजिए, ये सब पक्ष में है, बाकी सब कुछ विपक्ष में है, यानी जनता विपक्ष में है। तो फिलहाल समझने वाली बात यह है कि किसी भी चुनाव में 5 से 10% वोटों का बदलाव सामान्य होता है, जिसे फ्लोटिंग वोट कहा जाता है, जो किसी के लिए फिक्स नहीं होता, जो समय समय पर मुद्दों पर अपना मत बदल लेता है। अब आप इस बक्से को ध्यान से देखिए, ये जो ग्रे एरिया है, इसका मतलब है कि भाजपा के 60% सांसद जो 15% से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, जबकि रंगीन इलाके में वो 40% सांसद हैं, यानी 120 सांसद हैं जो 15% से कम वोटों के अंतर से जीत कर आए थे। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद 1% से भी कम वोटों के अंतर से जीते थे, यानी 3% सांसद ऐसे थे जो 1% से भी कम वोट के अंतर से जीत आए थे। इसी तरह से 32 सांसद ऐसे थे बीजेपी के जो 1 से लेकर 5% वोटों के अंतर से जीत पाए थे। इसी तरह से 42 सांसद ऐसे थे जो 5 से 10% वोटों के अंतर से जीत कर आए थे, और 36 सांसद ऐसे हैं जो 10 से 15% वोटों के अंतर से जीत कर आए थे। यानी अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 5% वोटों का अंतर भी भारतीय जनता पार्टी को 42 सीटों का झटका दे देगा। भारतीय जनता पार्टी 261 पर आ जाएगी, बहुमत से 10-11 सीटें नीचे आ जाएगी। अगर 10% वोट इधर से उधर हो गए तो संख्या 84 हो जाएगी, यानी 84 सीटें बीजेपी की कम हो जाएंगी, और 15% के आसपास यदि कमी आ गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी की 120 सीटें कम हो जाएंगी। यहां एक विशेष मामला है वोट प्रतिशत का, थोड़ी देर में उस पर आएंगे, मगर फिलहाल यह समझिए कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं जो 15% से कम वोटों से बीजेपी ने जीतकर हासिल किया था। उत्तर प्रदेश में 31 सीटों पर जीत हुई थी, कर्नाटक में 16, वेस्ट बंगाल में 13, मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी 8-8, ओडिशा में 7, बिहार में 6, असम में 4, तेलंगाना में 4, झारखंड में 3, राजस्थान में भी 3, और बाकी राज्यों में 9 सीटें थी। यानी यदि हम खाली उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिल गई, सपा 5 पर अटक गई, जबकि 2024 का मामला पूरी तरह से अलग है। बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, भाजपा के साथ तमाम छोटे मोटे दल हैं, मगर बसपा का जो सबसे बड़ा वोटर है वो संविधान के पीछे खड़ा है। बसपा का वोटर यानी दलित समाज, गरीब तबका, पिछड़ा समाज ये मान चुका है और समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी हो, बहन जी हो या फिर कोई अन्य, ये सब तभी हैं जब संविधान है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अगर ये लोग संविधान के साथ खड़े नहीं हैं, उसको बचाने के लिए खड़े नहीं हैं, संविधान के लिए खड़े नहीं हैं, तो फिर दलितों को भी इनके पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से ही एक दलित समाज के व्यक्ति ने मुझे फोन किया, पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति थे। हमने उनसे मजाक में ही पूछ लिया कि आप लोगों के बारे में तो कहा जाता है कि आप कुछ भी हो जाए बसपा को छोड़कर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बसपा हो या बहन जी हो या फिर कोई और हो, ये सभी लोग बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करते आए हैं, और बाबा साहेब के नाम पर राजनीति इसलिए सफलतापूर्वक कर पाए क्योंकि बाबा साहेब ने इस देश को संविधान दिया और संविधान के माध्यम से इस देश के दलितों, पिछड़ों को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया। यानी जो लक्ष्य है वो न तो बसपा है न बहन जी है, लक्ष्य इस देश का संविधान है और उसमें दिए गए अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का वोट सिर्फ और सिर्फ संविधान के नाम पर देना है। जिस तरीके से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संविधान बदलने का नारा देना शुरू किया है, वो गांव-गांव में पहुंच चुका है, और इस देश का गरीब तबका, दलित तबका, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी समाज के लोग ये बात समझते हैं, अच्छे से जानते हैं कि यदि संविधान पर कोई खतरा आ गया तो फिर इन्हें इंसान से जानवर बनाने में देर नहीं लगेगी। वैसे भी देश में दलितों की हालत आप देख रहे हैं, मोदी सत्ता के दौरान दलितों के खिलाफ अत्याचार में जमकर बढ़ोतरी हुई, दलित महिलाओं के साथ आए दिन क्या कुछ हो रहा है आप सबके सामने है। साल 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मैंने दलित बस्तियों
तस्वीरों में देखा था। उस वक्त मुफ्त राशन के लिए दलित बीजेपी की तरफ जा रहा था और बहुत कम संख्या में लोग अखिलेश यादव के साथ थे, मगर इस बार मुफ्त राशन का मामला फेल होता हुआ दिख रहा है। और जब से इंडिया गठबंधन ने यानी कांग्रेस ने 10 किलो राशन देने का वादा किया है, तब से राशन का प्रभाव और कम होता हुआ दिख रहा है। और कुल मिलाकर बात वही है कि जब संवैधानिक अधिकार खतरे में आ जाएगा तो राशन लेकर करेंगे क्या? अब उसके आगे की चीजें भी तो देखनी है, नौकरी भी चाहिए, पढ़ना लिखना भी है, या फिर केवल रोटी भात खाकर जिंदा रहना है? यानी दलितों के बीच ये बात अच्छे से पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर है जो लाठी डंडा खाने के बावजूद, तमाम तरीके से रोके जाने के बावजूद जमकर वोट कर रहा है, भर भर के वोट कर रहा है। उसे मालूम है कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से मोदी सत्ता ने उन्हें बदनाम किया है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बताने की कोशिश की है, और इस बार तो स्वयं नरेंद्र मोदी ने उन्हें घुसपैठिया तक बता दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तीसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो मजबूर हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो निकल ही नहीं रहा है वोट करने के लिए, क्योंकि किसी और को वोट करना नहीं चाहता, और बीजेपी के पक्ष में वो इस बार है नहीं, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ने किसी को नहीं छोड़ा है। आप भाजपा के समर्थक हों या विरोधी हों, पेट्रोल खरीदना है तो हर लीटर के लिए 100 रुपया देना ही पड़ेगा। सिलेंडर की कीमत आपको भी उतनी ही चुकानी है जितनी दूसरी पार्टी के समर्थक चुकाएंगे। अब वापस हम इस रिपोर्ट पर आते हैं। साल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 220 सीटें 50% से भी अधिक वोट शेयर के साथ जीता था, जबकि ध्यान रखिएगा, चुनाव जीतने के लिए एक वोट भी अगर अधिक है तो आपकी जीत हो गई। अब यदि आप कई लाख, 5 लाख, 6 लाख अंतर से चुनाव जीत जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एक ही सांसद होगा। वोट प्रतिशत बढ़ता है मगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है। इसी तरह से भाजपा को 2019 के चुनाव में 37% वोट मिला था, विपक्ष को उस वक्त 63% वोट मिला था। अब जब बीजेपी ने 200 से अधिक सीटें 50% से भी ज्यादा वोट पाकर जीती, तो ये जो अत्यधिक वोट पाकर जीतना है, इसकी वजह से बीजेपी का वोट शेयर 37% दिख रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। पहला गोला दिखा रहा है कि विपक्ष के पास 2019 में 63% वोट था, बीजेपी के पास 37%। दूसरा गोला दिखा रहा है कि जहां बीजेपी बहुत मजबूत है वहां उसका वोट 60% है और विपक्ष का 40%, जबकि जहां बीजेपी कमजोर है वहां विपक्ष का वोट 67% है, बीजेपी मात्र 33%। अंतर देख लीजिए। अब समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया गया है, और यह तोड़फोड़ बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया है। किसान आंदोलन ने एकमुश्त देश भर के किसानों को बीजेपी के खिलाफ किया, पंजाब में नो एंट्री जैसी स्थिति हो गई, हरियाणा में आपने देखा कि क्या हुआ, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पिछले ही साल बुरी तरह से चुनाव हार चुकी है, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसका भी असर आसपास के राज्यों में देखने को कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। इसके अलावा पिछली ही एक रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि कैसे 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 से कम वोटों के अंतर से 10 सीटें जीत ली थी, और मछली शहर की एक सीट 181 वोटों से बीजेपी जीत गई थी, और 1 लाख वोटों के अंतर की हम अगर बात करें तो उसमें बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। और उत्तर प्रदेश में इन दिनों जिस तरह की चर्चा हो रही है, जो कि जमीनी हकीकत है, ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा झटका कहीं यूपी में ही न लग जाए भारतीय जनता पार्टी को। लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री ने गुजराती लॉबी के खिलाफ गेम कर दिया, लेकिन यदि यूपी के मुख्यमंत्री ने गेम नहीं भी किया होगा तो भी यदि आप 2022 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे और उस वोट प्रतिशत को भी मैच कराएंगे तो पता चलेगा कि सामान्य तरीके से भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 50-55 के ऊपर नहीं जा रही है। यदि आप चुने गए विधायकों की संख्या की बात करें, जितने विधायक बीजेपी के आए, जितने विधायक समाजवादी पार्टी के आए, अगर इन दोनों की तुलना करेंगे, मैंने पिछले दिनों आपको दिखाया भी था, तो पता चलेगा कि बीजेपी 50-55 के ऊपर नहीं जा सकती। यह एक बात और ध्यान देने वाली है, नरेंद्र मोदी की मजबूत सत्ता को देखकर बहुत सारे लोग जांच एजेंसियों के डर के कारण भी जुड़े हुए रहे हैं। 2022 के चुनाव में भी बहुत सारे दल डर के कारण कहीं ना कहीं झुकाव बनाए रखे, लेकिन अब उसी डर को हराने जिताने का मामला है। सवाल यह है कि भाजपा का जो इंडिया गठबंधन है, उनके जो साथी हैं, वो लोग भी कमजोर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे क्या? महाराष्ट्र में भी आपने देखा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बारे में लगातार ये बातें सामने आती हैं कि ये लोग जेल जाने के डर से बीजेपी के साथ खड़े हो गए। अब देखने वाली बात यह है कि यदि उन्हें मौका मिलेगा और एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी का डर समाप्त हो रहा है, तो फिर क्या ये बीजेपी के साथ खड़े होंगे? क्या इन्हें अपना पुराना घर याद नहीं आएगा? महाराष्ट्र में तो हाल ही में चुनाव भी होने वाला है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि यदि नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला तो एनडीए के साथी भी छटक सकते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं। आप कहेंगे कि भागने को तो इंडिया वाले भी भाग सकते हैं, मगर समझने वाली बात यह है कि कोई भी नेता या राजनीतिक दल या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी सहूलियत देखकर इधर उधर भागता है, किसी को पकड़ता है या छोड़ता है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सत्ता ने तमाम पार्टियों को दिखा दिया, तमाम नेताओं को सिखा दिया कि आप हमारे साथ हों या आप हमारे खिलाफ हों, हम आपकी पार्टी तोड़ेंगे जरूर। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, जैसे तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। ऐसे में यदि इन्हें अवसर मिलेगा कि कांग्रेस को चुनना है या बीजेपी को,
तो फिर जाहिर तौर पर ये लोग अपना कंफर्ट जोन देखेंगे, जहां पर इनकी पार्टी सुरक्षित रहे, इनके लोग सुरक्षित रहें। फिलहाल एक बात समझने वाली है कि 5% वोटों का अंतर भी यदि आ गया तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 10-12 सीट नीचे आ जाएगी, जबकि 5-10% वोटों का अंतर बहुत सामान्य होता है, अक्सर चुनाव में होता है। बाकी जो होगा 4 जून को सामने आएगा ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे